दोस्तों कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, मंजिल के लिए कदम बढ़ाओ ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सभी जीते हैं, पर जिंदगी जियो ऐसा कि जीवन की नई मिसाल बन जाए। दोस्तों मेरा नाम है मानेश सिन्हा और मैं सच्ची कहानियां लिखता हूँ। और आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम सुनते ही लोगों का चेहरा खिल उठता है और कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा हो जाता है। बहुत दिनों बाद मैं छुट्टियों में घर आया हुआ था, तब मुझे अपने उसी दोस्त की याद सताने लगी और मैं अपने ड्राइवर के साथ उससे मिलने निकल पड़ा। और मेरे ड्राइवर की एक आदत है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो वो पूछता है कि साहब हम कहाँ जा रहे हैं, और मैंने जवाब दिया, आज हम अपने परिंदे के पास मिलने जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर ने पूछा कि साहब कौन है वो परिंदा, तब मैंने बताया सुना था कि बचपन में वो पतंग बेचा करता था और इंजीनियरिंग के पढ़ाई के आखिरी दिन भी वो मेरे पास पतंग भूलकर आया था, जिसे वापस देने के लिए आज मैं जा रहा हूं। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। आज से 9 साल पहले वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। 2011 में वो एक ट्रक प्लांट में नौकरी करता था, लेकिन ट्रक प्लांट में उसे उतना इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर वो बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में काम करने लगा, पगार भी दुगुनी हो गई और काम में मन भी लगने लगा। फिर भी उसका दिल मानता नहीं था, रोज वही सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की ड्यूटी देकर मन उबने लगा था, क्योंकि वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। उसे अपनी संस्कृति और भाषा से बहुत प्यार था और वो अपनी मिट्टी के लिए कुछ अलग करना चाहता था। जब वो YouTube में गाने सुनता था, वीडियोस देखता था, तो अपने दिल में यही सोचता था कि इस वीडियो में कुछ और अलग किया जा सकता है। और दिल में एक निर्देशक और अभिनेता बनने की भावना जागने लगी और हमेशा उसके दिमाग में यही घूमता रहता था कि एक ही जिंदगी है, कुछ बड़ा करना है। एक दिन अपने मन के असमंजस को दूर करने के लिए उसने एक फैसला लिया, एक अच्छी खासी नौकरी जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकता था, उसे छोड़ने का फैसला ले लिया और राजनांदगांव की नौकरी से रिजाइन दे दिया और अपने सपनों को साकार करने की ओर चल पड़ा। सितंबर 2017 को द एडियम शो यूट्यूब चैनल का निर्माण किया। समाज में लोग उसे चिढ़ाते थे, ताना मारते थे कि इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नौकरी छोड़िए क्या करने लगा है, लेकिन परिवार का सपोर्ट उसे हमेशा मिलता रहा। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपलोड करता गया और एक टीमवर्क में काम करने लगा। उसके वीडियोस को धीरे धीरे जनता का भी प्यार मिलता गया और देखते ही देखते उसका चैनल छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ी कॉमेडी यूट्यूब चैनल बन गया। अपने साफ सुथरे एवं संदेशात्मक मनोरंजन से परिपूर्ण वीडियोस के कारण घर घर में पहचाना जाने लगा और इसी प्यार से छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ी गीतों और फिल्मों के लिए 2020 को द एडियम फिल्म प्रोडक्शंस का निर्माण किया और वर्तमान में एक छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में सफल निर्देशक, निर्माता एवं अभिनेता हैं, जिसका नाम आनंददास मानिकपुरी जी है, जिसे लोग द एडियम के नाम से जानते हैं। यही बात करते करते हमारा वक्त कैसे कट गया पता ही नहीं चला और हम उस परिंदे के पास आ पहुंचे।